रब्बे दो जहां, हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान, रब्बे दो जहां। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुर नूर फलक, सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू गंजल इमान स्कूल टीवी। आओ बच्चों, हम आज का सबक पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। क्लास वन, सब्जेक्ट साइंस, फर्स्ट टर्म। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड आवर फर्स्ट चैप्टर। द टॉपिक इज अवर बॉडी। प्लीज ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 3। चैप्टर नेम इज अवर बॉडी। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी किताब के पहले सबक आवर बॉडी, बॉडी के पार्ट्स और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारा जिस्म, इसके क्या क्या हिस्से हैं और उन हिस्सों का क्या काम है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर बॉडी। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, एवरी पार्ट हैज़ अ फंक्शन। वी सी विद आवर आइज, वी हेयर विद आवर ईयर्स, वी स्मेल विद आवर नोज। You can see the human body in this picture. We eat with our mouth, we chew food with our teeth, we catch things with our hands, we walk with our legs, we stand on our feet. All the body parts help us to do our work. हमारा जिस्म, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हैं, हर अज़ू का एक काम है, यानी हम अपनी आँखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, अपनी नाक से सूंघते हैं, अपने मुंह से खाते हैं, हम अपने दांतों से चबाते हैं, हम चीज़ों को हाथों से पकड़ते हैं, अपनी टांगों से चलते हैं, हम अपने पाँव पर खड़े होते हैं, और ये तमाम अज़ा हमें हमारा काम करने में मदद देते हैं। आइए अब हम इस सबक की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। राइट डाउन द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी आपने जिस्म के हिस्सों के नाम लिखने हैं इस तस्वीर में। जिस्म के हिस्सों की तरफ इशारा किया हुआ है, आपने उनके नाम लिखने हैं। द राइट साइड ऑफ दिस पिक्चर, द फर्स्ट वन इज ईयर, सेकंड इज चिन, द थर्ड इज हैंड। द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पिक्चर, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आई, सेकंड इज माउथ, थर्ड इज बेली। On the left side, the last point is leg. On the right side, the last point is foot. FOOT, foot. Now answer the following questions. Question number 1, what do the body parts do? हमारे जिस्म के हिस्से क्या काम करते हैं? The answer is all the body parts help us to do our work. हमारे जिस्म के तमाम हिस्से हमें काम करने में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी हियर, हम कैसे सुनते हैं? बताइए बच्चों, हम कैसे सुनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम अपने कानों से सुनते हैं। सो द आंसर इज वी हियर विद आवर ईयर्स। वी हियर विद आवर ईयर्स, यानी हम अपने कानों से सुनते हैं।
क्वेश्चन 3 इज हाउ डू वी स्मेल, हम कैसे सूंघते हैं? प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3. यस, योर आंसर इज राइट. हम अपनी नाक से सूंघते हैं. द आंसर इज वी स्मेल विद आवर नोज. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी कैच थिंग्स, हम चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं? प्यारे बच्चों बताएं, हम चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं? बिल्कुल ठीक, आपने सही आंसर दिया है. द आंसर इज वी कैच थिंग्स विद आवर हैंड्स, हम चीज़ों को अपने हाथों से पकड़ते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट डैश, द आंसर इज पार्ट्स, यानी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं. नंबर 2, वी सी विद आर डैश, हम किससे देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आइज, वी सी विद आर आइज, हम अपनी आँखों से देखते हैं. द आंसर इज आइज. नंबर 3, वी स्टैंड ऑन आर डैश, हम किस पर खड़े होते हैं, यानी किस तरह खड़े होते हैं? यस, योर आंसर इज राइट. ऑन फीट, वी स्टैंड ऑन आर फीट, हम अपने पाँव पर खड़े होते हैं. नंबर 4, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ आ डैश, यानी जिस्म के हर हिस्से का कोई ना कोई काम है. सो द राइट आंसर इज फंक्शन. एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ फंक्शन, यानी जिस्म के हर हिस्से का कोई ना कोई काम है. प्यारे बच्चों, अब हमने इस सबक को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है और इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया है. आप इसको गौर से सुनिए, समझिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लें. स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़. हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान. ऐ रब्बे दो जहां.